इस राष्ट्रीय प्रजापति समाज के इस कार्यक्रम में आए सभी मंचासीन पदाधिकारियों को मेरा नमन, और सामने बैठी मेरी मातृशक्ति भाइयों और बहनों सभी के चरणों में मैं नमन करते हुए मैं आज इस मंच से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज हमारा समाज बहुत आगे राजनीति में भी और व्यापारिक स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि समाज आगे निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर जो अभी हमारे भाई अभी कुछ कारणों से अभी पीछे रहे हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो भी प्रयास करते रहें। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आजकल राजनीति कई सारी पार्टियां हैं, वो जिसका जिसमें उसका अनुभव हो, जिसमें उसका हित हो, कार्य करें। पर आज फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ, आज विश्व में और अपने प्रदेश में जो सरकारें हैं उनके साथ साथ मिलकर के साथ चलें। और जैसे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को 1995 में पहली बार कंकरखेड़ा से पार्षद के लिए टिकट दिया था, उस समय कंकरखेड़ा मंडल की सबसे बड़ी जीत थी। और आज 23 साल बाद माननीय अध्यक्ष जी मेरे सामने बैठे हैं, इन्हीं के प्रयासों से मेरे पिताजी ने यहाँ पर इनको टिकट मिला था, इन्हीं के प्रयासों से आज इस कंकरखेड़ा में दोबारा से प्रजापति समाज को टिकट देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आप सभी के आप यहाँ सब मेरे वार्ड के लोग भी बैठे हैं, मेरे क्षेत्र के लोग बैठे हैं, आदेश फौजी जी हैं मेरे बहुत ही प्रिय, और चुनाव में जिन्होंने मेरे कंधे से कंधे मिलाकर साथ चले, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ बैठे, नाम लेना संभव नहीं है। और इस वार्ड की क्या कंकरखेड़ा मंडल की सबसे बड़ी जीत और मेरठ की दूसरी सबसे बड़ी जीत, 2500 वोटों से विजय दिलाया, ये प्रजापति समाज के लिए बहुत सम्मान की बात है कि प्रजापति समाज के एक बालक इस तरह से आपके बीच में एक धीरे धीरे सेवा करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं आशा करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, राजनीतिक कार्यों में हिस्सा लें और समाज की सेवा करें। इसी तरह से मैं आज अपनी बात को विराम देता हूं और पुनः आपके चरणों में वंदन करते हुए यही बस आपसे निवेदन करता हूं कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें सामाजिक कार्यों में और समाज का उत्थान करें। धन्यवाद।